हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आप इंटरनेट से किसी भी जीप फाइल या फ़ॉन्ट को डाउनलोड करते हो तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले उस फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके हम उस फाइल को यूज कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा फाइल जो है एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। मैंने भी एक फ़ॉन्ट वाली फाइल डाउनलोड करी है जो करीब करीब 400 MB के आसपास है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी दोस्तों, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करने का दूसरा रास्ता निकाल लिया है। तो अगर आप भी अपने फाइल या फ़ॉन्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको उस वाले फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो और पिक्सेल लैब में ऐड करना चाहते हो। तो हमारे मेन फाइल मैनेजर से हमारा फॉन्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए दूसरा उपाय भी हम ढूंढ लिए हैं। चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। उसके बाद आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना है जेड आर्चीवर। चलिए मैं जेड आर्चीवर सर्च कर लेता हूँ। जेड आर्चीवर सर्च करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करके इसे देख लेते हैं। ओपन वाले पे क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आपको उस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो चलिए उस फॉन्ट को हम चूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा फॉन्ट। इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपको अपने फॉन्ट का पासवर्ड इसमें डाल देना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड इसमें डाल के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करते ही ये देखिए हमारा फॉन्ट जो है एक्सट्रैक्टिंग होने लगा है। अब हमारा फॉन्ट जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसे हम जानते हैं पिक्सेल लैब में कैसे ऐड करेंगे। चलिए हम अपना पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, ए वाले पे, और उसके बाद ए बी नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आने के बाद आपको माई फॉन्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल मैनेजर वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो फाइल अपना एक्सट्रैक्ट किया है उसको चूज करेंगे। ये देखिए वो सारी फॉन्ट्स यहाँ पे आ चुकी है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था। अब इसको ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करके इसे हम डायरेक्ट ही पिक्सेल लैब में ऐड कर देंगे। ये देखिए एक बार क्लिक करते ही हमारा सारा का सारा जो फॉन्ट है वो पिक्सेल लैब में ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ से इजीली किसी भी फॉन्ट को यूज कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने फॉन्ट वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता ली है जिसका नाम है जेड आर्चीवर। उसको बेझिझक डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई खतरा वाली बात नहीं है। वो काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है और उसके डाउनलोड्स भी 100 मिलियन के आसपास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए